जरा सोचो, एक आदमी अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट बना दे। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में यीहिया नाम का एक लड़का अपनी क्लास में पहुंचा, जहां उसके टीचर ने उसे अपनी दोस्त से बात करते हुए पकड़ लिया और सामने ब्लैक बोर्ड पर आकर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा। यीहिया ने उस सवाल को एक नए तरीके से हल कर दिया जो टीचर को भी नहीं पता था। इस पर मास्टर ने उसे शाबाशी देने की बजाय क्लास से बाहर ही निकाल दिया। यीहिया पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, पर उसे अपने आप में ही रहना अच्छा लगता था, तो वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था और शायद इसी वजह से कॉलेज में भी बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। यीहिया की माँ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और उसके पिता सैले रिटायर्ड इंजीनियर थे। रिटायरमेंट के बाद से उन्होंने घड़ियां ठीक करने का काम शुरू कर दिया था। एक दिन उनकी काम वाली का पति नसीर उनके घर आया, पर सैले ने उसे घर के बाहर से ही वापस जाने को कहा क्योंकि वो अक्सर अपनी बीवी को पीटा करता था। सैले की बात सुनकर नसीर गुस्से में वहाँ से निकल गया। इसके बाद ये ही अपने पिता को उनके घर के स्टोर रूम में लेकर गया, जिसे वो अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता था। वहाँ पहुँच कर ये ही ने अपने पिता को उसका बनाया हुआ रोबोट मूसा दिखाया, जिसे वो अपने दिमाग की शक्ति से कंट्रोल कर सकता था। पर उसके पिता ने तारीफ करने की बजाय मूसा को एक खिलौना बताकर बात टाल दी। थोड़ी देर बाद नसीर ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर सैले पर घर में घुसकर हमला कर दिया। उन्होंने सैले की बहुत पिटाई की और साथ ही कमरे में आग लगा दी और साथ ही वो उसकी सारी घड़ियां चुरा कर वहां से भाग गए। इस दौरान ये ही डर कर कोने में छुपा रहा। वो बेचारा इतना डर चुका था कि अपने पिता को बचाने के लिए बाहर भी नहीं निकला। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कुछ देर बाद वहां आकर आग बुझाई, लेकिन सैले तब तक मर चुका था। कुछ दिन बाद ये ही अपने पिता की कब्र पर पहुंचा और उसने स्टोर रूम को छोड़कर अपना पूरा घर बेचने का फैसला किया। इसके बाद वो पुलिस में कंप्लेंट करने गया, लेकिन नसीर को वहां देखकर डर गया और बिना कंप्लेंट करे ही वापस लौट आया। लेकिन उस दिन उसने नसीर से अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद ही उसने मूसा को एक बड़े रोबोट की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। यहिया कई दिनों तक इसी काम में लगातार लगा रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और मूसा एकदम तैयार था। इसके बाद वो एक दिन नसीर का पीछा करके उनके गिरोह के अड्डे तक पहुंच गया। यहिया पहले पूरी हिम्मत जुटाकर गुंडों के सामने गया और जब उन्होंने उसे देख लिया तो वो जाकर एक कोने में छिप गया, जिसके बाद वो लोग मिलकर उसे ढूंढने लगे। मौका पाते ही उसने मूसा को एक्टिवेट करके गुंडों पर हमला कर दिया। मूसा ने अपनी जबरदस्त ताकत से बड़ी आसानी से दो गुंडों को मार गिराया। अब नसीर की बारी थी, पर मूसा को देखकर वो डरकर भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में वहां से भाग पाता, यहिया ने उसे अपने रोबोट की मदद से ठीक वैसे ही मारा जिस तरह नसीर ने उसके पिता सैले को मारा था। उधर एक रिक्शा वाले ने इस सब की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और देखते ही देखते ये वीडियो इतनी वायरल हो गई कि अब पूरा देश मूसा के बारे में बात कर रहा था। यहाँ तक कि सरकार भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही थी। एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें फौज के सभी बड़े अफसर शामिल थे। इस मीटिंग में यहिया का वही टीचर फेयर्स, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, वो भी मौजूद था। उसका कहना था कि ये रोबोट किसी और पर भी हमला कर सकता है, तो इस बारे में जांच पड़ताल तो जरूर होनी चाहिए। उधर यहिया को मिस्टर एक्स नाम के एक आदमी का खत मिला जिसमें उसने लिखा था कि वो जानता है कि यहिया ने ही मूसा को बनाया है और वो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद जरूर करेगा, और अगर देश से गुंडों को खत्म करने के लिए किसी भी तरह उसकी जरूरत पड़े तो वो यहिया की मदद करने को तैयार रहेगा। कुछ देर बाद यहिया से मिलने उसकी दोस्त रैकी उसकी वर्कशॉप पर आई। रैकी को यहिया के राज के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि उसने यहिया की कॉपी में मूसा का स्केच देख लिया था। उस पर भरोसा करके यहिया ने उसे अपना रोबोट मूसा दिखाया, जो उसने खुफिया दरवाजे के नीचे छुपा रखा था। रैकी ने उससे पूछा कि क्या उसने सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रोबोट बनाया है, जिस पर जवाब देते हुए यहिया ने बताया कि उसने रोबोट सिर्फ उसके पिता का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी गुनहगारों को खत्म करने के लिए बनाया है। इस सब में उसका अनजान दोस्त मिस्टर एक्स उसकी मदद करने वाला था, जिसने उनके अगले टारगेट की इन्फॉर्मेशन यहिया को पहले ही दे दी थी। उनका अगला टारगेट देश के सबसे बड़े क्रिमिनल्स का बेस था, जहां उन्होंने बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके रखा था। रैकी और यहिया ने बेस के पास पहुंचकर मूसा को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन ये पिछली बार की तरह आसान नहीं था। आदमी ज्यादा होने की वजह से यहिया को मूसा को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और इसी बीच मूसा के पास एक धमाका हुआ और वो नीचे गिर गया। लेकिन किस्मत से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और यहिया ने फिर से उस पर कंट्रोल पाकर एक एक करके सभी गुनहगारों को मार गिराया। ऐसा करके उन्होंने सभी बच्चों को भी आजाद करवा दिया जिन्हें किडनैप करके वहां रखा गया था। लेकिन एक बार फिर से किसी ने वीडियो बना लिया और वो बहुत
बहुत वायरल हो गया। उधर सरकार ने भी एक टीम को इस केस की तहकीकात करने को भेजा। ये खबर हर जगह फैल चुकी थी क्योंकि मूसा ने इस बार 20 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को एक साथ मारा था और कुछ गुंडों को तो उसने मारकर पुलिस के लिए पैक करके उल्टा लटका दिया था। सभी लोग मूसा के पीछे के दिमाग को जानना चाहते थे। अगले कुछ दिनों में यहिया ने मूसा की मदद से बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा और कई लोगों की जान भी बचाई। मूसा की वजह से पुलिस का काम बहुत आसान हो गया था और अब पूरे देश की जनता मूसा को एक हीरो की तरह देख रही थी। उधर फारस ने लोकेशन पर जाकर मूसा के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। उसे ये भी पता चल गया था कि हर बार मूसा को एक गाड़ी में घटना स्थल तक लाया जाता है। मूसा को पकड़ने के लिए उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो उसके पास होने पर थोड़ी देर के लिए उस रोबोट को बंद कर सकती है। इधर यहिया ने रैकी के घर को ही अब अपना बेस बना लिया था और एक दिन मरियम नाम की एक लड़की उससे मिलने आई। असल में यहिया कॉलेज के दिनों से ही मरियम को बहुत पसंद करता था लेकिन कभी उससे बात नहीं कर पाया। जब मरियम को ये पता चला कि यहिया ने ही मूसा को बनाया है तो वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी बल्कि वो यहिया को कातिल कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। असल में पहले तो मरियम को भी यहिया पसंद था लेकिन अब वो उससे नफरत करने लगी थी। उधर फारस को यहिया की गाड़ी के बारे में पता चल चुका था और उसने एक टीम को उसे अरेस्ट करने के लिए भेजा। पूछताछ के दौरान यहिया ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया और क्योंकि उनके पास कोई खास सबूत नहीं था तो उसके वकील के आने पर उसे छोड़ दिया गया लेकिन फारस ने उसके घर पर माइक लगा दिए थे। एक शाम अचानक से फारस का बेटा यूसुफ बेहोश हो गया और चेक करने पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी का इलाज इजिप्ट में तो नहीं हो सकता और इसके लिए उसे अमेरिका जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन फारस के पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी उसने खुद से अपने बेटे को ठीक करने का वादा किया। इसके बाद फारस जाकर इस केस के इन्वेस्टिगेशन हेड और मरियम के पिता समीर से मिला। वो जानता था कि समीर को मूसा रोबोट किसी भी हालत में चाहिए इसलिए उसने मूसा को पकड़ने के बदले अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगे। समीर मान गया जिसके बाद फारस तुरंत काम पर लग गया। अगले दिन फारस ने अपने कुछ आदमियों को एक ट्रेन को हाईजैक करने भेजा और खुद ही इसकी वीडियो बनाकर वायरल भी कर दी। जल्द ही यहिया तक भी ये वीडियो पहुंच गई। वीडियो देखते ही वो मूसा को लेकर ट्रेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए पहुंच गया पर प्लान के मुताबिक मूसा के ट्रेन पर आने के कुछ देर बाद ही फारस के आदमियों ने उसकी बनाई मशीन से मूसा की पावर बंद कर दी जिसकी वजह से यहिया ने उस पर अपना कंट्रोल खो दिया। इसके बाद फारस का एक आदमी मूसा रोबोट को बीच से काटने लगा पर तभी वहां बैठे एक आदमी ने जो मूसा के किए कामों का समर्थक था उनके हाथ से वो मशीन छीन ली। पावर वापस आते ही मूसा ने फारस के आदमियों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और अपनी पूरी जान लगाकर सभी पैसेंजर्स को भी एक एक करके सेफ डब्बे में भेज दिया। लोगों को बचाने के लिए मूसा ने ट्रेन के एक डब्बे को हाथ से पकड़ा हुआ था पर इसमें ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घर पहुंचने पर यहिया को एक सीडी मिली जिसमें किडनैप हुई मरियम की वीडियो थी। ये देखते ही यहिया मरियम के पिता समीर के पास पहुंचा। समीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि फारस मूसा को पकड़ने के लिए इस हद तक गिर सकता है। यहिया इस बार चीजें खराब नहीं करना चाहता था। यहिया नहीं चाहता था कि मरियम को किसी भी तरह की चोट पहुंचे इसलिए उसने एक वीडियो बनाकर सबको बता दिया कि मूसा रोबोट को उसने बनाया है और इस वीडियो में उसने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया। अब पुलिस यहिया के घर रेड करने पहुंची लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही था। उसने मूसा के ऊपर एक बॉम्ब फिट करके उसे उड़ा दिया और इसके बाद वो जाकर फारस से मिला जहां उसने अपनी सारी सच्चाई बताई और मरियम को आजाद करने को कहा। पर फारस ने कहा कि वो मरियम को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे मूसा को बनाने के ब्लूप्रिंट्स नहीं मिल जाते। मरियम की जान बचाने के लिए यहिया ने मूसा का पूरा डिजाइन वहीं खड़े खड़े बना दिया। अब फारस को जो चाहिए था वो मिल गया तो उसने मरियम को छोड़ दिया लेकिन असल में तो ये यहिया की एक चाल थी। इस सब के बीच उसका दोस्त मिस्टर एक्स भी वहाँ पहुँच चुका था। मिस्टर एक्स और उसके दोस्तों ने पूरी बिल्डिंग में एक ऐसी गैस फैला दी जिसे सूंघकर फारस के सभी आदमी बेहोश हो गए। इसके बाद पूरी बिल्डिंग की लाइट गायब करके उन्होंने जगह जगह पर बॉम्ब्स बिछा दिए। ये सब देखकर फारस ने भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही सही समझा लेकिन बेचारे यहिया के पास वहां से भागने का मौका नहीं था क्योंकि फारस के कुछ आदमी अभी भी उसके पीछे थे। उसने सबसे पहले मूसा के डिजाइन को मिटाया ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए और एक आखिरी बार मरियम से बात करने के लिए उसे फोन किया। अपने आखिरी पलों में उसने बताया कि वो मरियम से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने रैकी
से ये भी कहा कि वो मैरियम को एक सुरक्षित जगह पर ले जाए। साथ ही उसने पहले से लिखकर एक चिट्ठी भी रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि इस प्लान में वो मर भी सकता है। जल्द ही फारस को भी सरकार की परमिशन के बिना काम करने और किडनैपिंग के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया। आखिर में हम देखते हैं कि यहिया भी किसी तरह बच गया था। तो यहिया ने अपने रोबोट मूसा की मदद से जो भी किया, क्या वो सही था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताना।